हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मोंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन, मोंगला पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये रहा आपका मोंगला पोर्ट और ये सेकेंड बिजिएस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश का एंड इट लाइज 62 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन। ओके, To which of the following Grand Bank and Dogger Bank are related? Grand Bank और Dogger Bank किससे related हैं? तो ये related हैं main fish catching zone से। Answer is B. Which among the following currents is produced by upwelling of water off the coast of Chile and Peru? तो कौन सा current produce होता है by the upwelling of water off the coast of Chile and Peru? तो चिले ये रहा और पेरू यहाँ पे है और ये जो करंट है इसका नाम है हम्बोल्ट करंट। आंसर इज बी। हम्बोल्ट करंट को और किस नाम से? पेरू करंट के नाम से भी जाना जाता है और ये जो करंट है ये फ्लो करती है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे लोकेटेड है अफ्रीका में जो है? ये लोकेटेड है जाम्बेजी रिवर पर। आंसर इज सी। ये रहा विक्टोरिया फॉल्स। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरी बाय द नेम ऑफ ड्री, मथुन, टलॉन, एमी, इही, एम्ब्रा एंड एवा? तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये रिवर है दिबांग। आंसर इज सी। ओके, आंसर इज सी। व्हेन वाज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च्ड इन इंडिया? स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था इंडिया में 2009 में। आंसर इज ए। और गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इन 2009 टू सेफ गार्ड एंड कंजर्व इंडियाज यूनिक नेचुरल हेरिटेज ऑफ हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून इज, कौन सा रीजन है जो नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है? तो ये रीजन है तमिलनाडु। आंसर इज बी। As per the census 2011, which of the following state or union territories claimed second rank in terms of literacy rate? Literacy rate के term पर second rank रखता है कौन सा मतलब union territory है और census 2011 के हिसाब से बताना है? तो ये है लक्षद्वीप। answer is C. पालघाट joins which of the following state? कौन सा state join करता है पालघाट? तो ये join करता है केरला एंड तमिलनाडु को। आंसर इज डी। पालघाट गैप एक मेजर ब्रेक है इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और ये केरला और तमिलनाडु को join करता है। बनेश्वर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया? बनेश्वर फेस्टिवल जो है ये किस ट्राइब की द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भील्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इज सी। और ये जो भील्स हैं ट्राइबल कहाँ पे रहने वाले हैं? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महादेव एंड कल गुजरात में ये रहते हैं और जो ये पूजा करते हैं जिसकी पूजा करते हैं ये है महादेव और कल्कि। कल्कि दैट इज़ विष्णु। इस फेस्टिवल में महादेव और कल्कि की पूजा की जाती है। द कोल रिजर्व ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ इंडिया? तो कोल रिजर्व ऑफ इंडिया कितने प्रतिशत टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया की डिमांड है उसको फुलफिल करता है? ये है 62%। आंसर इज ए। Which one of the following state in India has the largest area under forest cover? Largest area है under forest cover, कौन सा state है ये? ये है मध्य प्रदेश। Answer is C. और इसका जो area है ये 77,414 square kilometer का area ये cover करता है। Okay?
रेड सॉइल्स आर डेफिशियंट इन विच अमंग द फॉलोइंग. रेड सॉइल में डिफिशियंसी होती है किसकी, तो ये नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, इन सब की डिफिशियंसी होती है. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून इज आर करेक्ट. साउथ वेस्ट मानसून के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पूछ रहा है. इट ऑकर्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. साउथ वेस्ट मानसून जून टू सेप्टेम्बर में आता है, ये बिल्कुल ठीक है. और इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये नहीं होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कम्पेयर टू अनदर मानसून. यस, ये मैक्सिमम रेनफॉल देता है अनदर मानसून की अपेक्षा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इट हैज़ नो ब्रांच, नहीं एस की ब्रांचेज हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है, वन एंड थ्री. आंसर इज बी, वन एंड थ्री ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द रिवर फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब. पंजाब की जो फाइव रिवर है उसमें वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है, तो ये है झेलम. आंसर इज ए, झेलम को और किस नाम से, वितास्ता के नाम से भी जाना जाता है. वितास्ता के नाम से झेलम को जाना जाता है. ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है पंजाब की. और इट ओरिजिनेट फ्रॉम वेरिनाग. वेरिनाग से ये ओरिजिनेट होता है. ओके, कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर विच द रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न सह्याद्री डू नॉट मेक टिल्टा. तो कौन सा रीज़न है जो डेल्टा नहीं बनाते हैं, जो सह्याद्री से निकलने वाली नदियां हैं. तो इसका रीज़न है द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज़ हैवी. यस, और मोस्ट ऑफ द डैम्स आर क्रिएटेड, ये इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है. द नैरो विड्थ ऑफ द कोस्टल प्लेन, नैरो विड्थ होती है कोस्टल प्लेन की, ये भी बिल्कुल ठीक है. सारे के वन एंड थ्री करेक्ट ऑप्शन है. सो द आंसर इज बी. और इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीजन फॉर विच ऑफ द विच द रिवर ऑफ वेस्टर्न सह्याद्री डू नॉट. वेस्टर्न सह्याद्री से होकर जो रिवर्स जाती हैं वो एस्चुरीज बनाती है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये सारी चीज़ें एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच बीच ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल. मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच है ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए कौन सा, गहिर माथा. आंसर इज ए, और ये रहा आपका गहिर माथा. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में है गहिर माथा. द कोस्टल प्लेन बिटवीन द कोलेरू एंड द पुलिकेट लेक इज नोन एज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम. तो कोस्टल प्लेन जो कोलेरू और पुलिकेट लेक के बीच में आता है उसको कहा जाता है आंध्रा प्लेन. आंसर इज सी. वेनू बप्पू ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. किस तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, तो तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. आंसर इज सी. द मालवा प्लेटू इज मोस्टली स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो मालवा प्लेटू कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये देखिए, ये रहा मालवा प्लेटू और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान में. आंसर इज ए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.